साल 2012 में यानी आज से लगभग 10 साल पहले देश में निर्भया कांड हुआ, जहां जिंदगी और मौत की लंबी जंग लड़ने के बाद निर्भया ने दम तोड़ दिया। समय बीत गया लेकिन परिस्थितियां वहीं जस की तस बनी हुई हैं और आज की स्थिति और भी खराब है, जहां आज देश में रोजाना ना जाने कितनी निर्भयाओं के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य किए जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे आपको बताने में मुझे बेहद ही दुख हो रहा है और ये समझ नहीं आ रहा कि ये आज के भारत में हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दरबार। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में एक महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। 52 वर्ष की महिला के साथ पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद महिला के गुप्तांग में तवे के हैंडल को डाल दिया और महिला के सीने को पैर से कुचला गया। इससे महिला की सीने और गले की हड्डियां टूट गईं और मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 जुलाई को सुबह अकलतला नगर में बर्तन साफ करने का काम करने वाली 52 वर्ष की महिला का शव घर में अर्धनंग हालत में मिला। डॉक्टरों ने जब महिला का शॉर्ट पीएम टेस्ट किया और रिपोर्ट आई तो उसमें मृतिका के साथ दुष्कर्म करने और उसके गुप्तांग में चोट लगने से अत्यधिक खून बहने और गले सीने की हड्डियां टूटने और फेफड़े फटने से महिला की मौत की पुष्टि हुई है। इधर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ पीएम रिपोर्ट के आधार पर अंकलतरा थाने में आईपीसी की धारा 459, 302, 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बदमाश सूरज इस इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने सूरज की तलाश शुरू की और अकलतरा में एक ढाबे से सूरज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वह लगातार मना करता रहा, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो सूरज ने बताया कि 2 जुलाई की रात को वह इस इलाके में घूम रहा था, तब एक घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में एक महिला अकेली सोई हुई थी। महिला को अकेला देखकर वह घर में घुस गया और डरा धमका कर महिला के साथ बलात्कार किया। सूरज का कहना है कि जब उसने महिला के साथ बलात्कार करना चाहा तो महिला चिल्लाने लगी, इसलिए उसने उसे मार डाला। सच में ऐसे मामले बेहद ही हृदय विदारक हैं, जहां एक महिला के साथ ना सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि फिर पूरी मानवता को ही तार तार कर दिया गया। और क्या हमारा कानून ऐसे अपराधी को फांसी की सजा देगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आरोपी को फांसी होनी चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए तो मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।